उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड को शिक्षा का हब कहा जाता है। शिक्षा के साथ साथ उत्तराखंड के युवा साहसिक खेलों में भी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही डीएवी इंटर कॉलेज डिफेंस कॉलोनी के छात्रों का चयन एशियन खेलों के लिए हुआ है। इसको लेकर छात्रों और अध्यापकों में उत्साह का माहौल भी है। बच्चों को तैयारी करवाने वाले कोच पुनीश ने बताया कि हम बच्चों की शारीरिक तैयारी खेलों के लिए करवाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को सुबह शाम प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, साथ ही अलग अलग स्कूलों से मुकाबला भी करवाया जाता है। और जब बच्चे खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें प्रदेश स्तर पर और उसके बाद नेशनल स्तर पर भी खिलाया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि साउथ एशियन चैंपियनशिप में दो छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें शशि भंडारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और राधा यादव ने सिल्वर मेडल जीता। मंगोलिया में होने वाली चैंपियनशिप में भी 5 छात्रों का चयन हुआ है। वहीं इसको लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है और शारीरिक रूप से जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उन्हें बढ़ावा भी दिया जाता है। हमारी प्राथमिकता है कि हम स्कूल के बच्चों को प्रदेश से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक आगे बढ़ाने का काम करें। ऑलरेडी अभी चेन्नई में 2 से 8 अप्रैल तक जो है साउथ एशियन चैंपियनशिप का सिलेक्शन ट्रायल था, और जो अपकमिंग एशियन चैंपियनशिप है जो मंगोलिया में होने वाली है उसके लिए सिलेक्शन ट्रायल था। तो साउथ एशियन चैंपियनशिप में हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन था, उसमें सृष्टि भंडारी ने ब्रॉन्ज और राधा यादव ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और आने वाली जो एशियन चैंपियनशिप है जो कि जुलाई के 2nd वीक में मंगोलिया में होनी है, उसके लिए सिंह धानी, अभिषेक भंडारी, सृष्टि भंडारी, राधा यादव, पीयूष लवानिया, इनका एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो स्कूल प्रशासन और बच्चे काफ़ी खुश हैं कि इस लेवल पर हमारे बच्चे गेम्स में अचीव कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे यहाँ के बच्चे कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, एशियन चैंपियनशिप में खेल के आए हैं, एशिया कप में खेल के आए हैं। तो डीएवी का जो स्तर है गेम्स के प्रति वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ से अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करके दें, जो उत्तराखंड का नाम इंटरनेशनल लेवल पर चमकाएं। मेरा साउथ एशियन जुजुत्सु में ब्रॉन्ज मेडल आया है और मैं एशियन चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हुई हूँ जो कि मंगोलिया में होगा, जुलाई 2nd वीक में होगा। काफ़ी खुश हूँ कि इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है स्कूल से कि हम यहाँ इस लेवल तक पहुँचे हैं। हमारे कोच को भी थैंक यू और स्कूल को भी। घर से भी फुल सपोर्ट है स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स के लिए भी। हम नेशनल खेलने गए थे जुजुत्सु का, तो वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया, सो हम इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं जो मंगोलिया में होगा। एशियन चैम्पियनशिप जुलाई 2nd वीक में स्टार्ट होगा। सारे सपोर्ट कर रहे हैं, सर अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं और सुबह शाम। मेरा एशियन चैम्पियनशिप के लिए मंगोलिया में जो जुलाई में होने वाला है उसके लिए सिलेक्शन है। हमारे कोच सर पुनीश सिंह जी का बहुत साथ रहा है और स्कूल भी हमें बहुत फुल सपोर्ट करता है, फैमिली भी सपोर्ट करती है, उसी के बदौलत हम वहाँ तक पहुँचे हैं। खुश, बहुत खुश हैं। बाकी सब आगे मेहनत के लिए आगे जीत के लाना है इंडिया के लिए। हमारे बच्चे जो हैं जूडो और जुजित्सु में तो अभी कई साल हो गए हैं जिसमें कि वो कई रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसमें हमारी लड़की उन्नति, शिवांगी पांडे, ये सब बच्चों ने काफ़ी नाम कमाया है। और अभी इस वक्त जो जुजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2019 हुई है उसमें साउथ एशियन जुजित्सु चैम्पियनशिप में सृष्टि भंडारी ने सिल्वर ब्रॉन्ज और राधा यादव ने सिल्वर लेकर इन्होंने अपनी अपनी कैटेगरीज़ में अपनी जगह आगे के कंपटीशन में बना लिया है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सृष्टि भंडारी है, ऐश्वर्य गुसाई हैं, अमित सिंह धानिक है, अभिषेक भंडारी, पीयूष लवानिया, ये सब बच्चे साउथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो इसके पीछे तो देखिए जो उनके टीचर हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है, पुनीश सर हैं, और वो इन बच्चों के साथ सुबह से लेकर शाम तक जुड़े रहते हैं। फिर हमारे अपने स्कूल में हमारी छत पे अपना इनका एक डेडिकेटेड एरिया है जिसमें कि ये अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इनकी फिटनेस के बारे में, और जगह जगह जाते हैं बच्चे, हम इनको पूरा स्कोप देते हैं कि ये अपना बाहर जाएँ, पार्टिसिपेट करें। और फिर कई बार पेरेंट्स से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसको मैं डील करती हूँ, समझाते हैं बच्चों को और पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है। और साथ ही साथ हम स्पोर्ट्स के इनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी हमारी बहुत स्ट्रिक्टनेस है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स का बच्चा है तो वो खेलता रहे और पढ़ाई में जैसा भी हो हम उसको एक क्लास से दूसरी क्लास में भेज देते हैं या फिर हम उससे कोई बेनिफिट देते हैं, उसको पढ़ना अपनी जगह होता है और खेलना अपनी जगह होता है। तो बच्चे में एक पूर्ण रूप का विकास करने की हम कोशिश करते हैं और डिसिप्लिन की तो पूरी हमारे स्कूल में
मेंटेनेंस रहती है, ताकि किसी प्रकार का भी बच्चा इंडिसिप्लिन ना, आप देखोगे हमारा कोई स्पोर्ट्स बच्चा है वो किसी प्रकार का स्कूल में इंडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करता है। संवाद 360 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ कुलदीप की रिपोर्ट।